राजधानी के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में कांग्रेस के प्रदेश भर के नेता उपवास पर बैठे हैं। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की खिलाफत करने वाले कांग्रेसियों का दूसरा गुट डोरंडा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठा है। अलग अलग उपवास स्थल होने के बावजूद दोनों ही गुटों के उपवास पर बैठने की वजह एक है, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी के पूछे सवालों पर पीएम मोदी की चुप्पी। पीएम मोदी और उद्योगपति अडानी के गठजोड़ से देश की जनता और सरकारी संपत्तियों का नुकसान। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जेपीसी से जांच सरीखे मुद्दे पर कांग्रेस एक दिवसीय उपवास रखी है। सुनिए कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। देखिए, हम लोग लगातार जय भारत सत्याग्रह कर रहे हैं। इस निमित्त आपने देखा होगा, पहले मशाल जुलूस, फिर जय भारत सत्याग्रह यात्रा। आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2400 जिला का दौरा किया। 2500 जो संगठनात्मक जिले हैं उनके पदाधिकारियों से मिलने का काम किया, और जो लोगों में एक आक्रोश दिखाई दिया उसको हम लोगों ने एकत्रित करने का काम किया, और उससे ऊर्जा प्राप्त करके लगातार हम लोग जय भारत सत्याग्रह कर रहे हैं। 19 तारीख को सभी जिलों में सत्याग्रह किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। अब आज एक बार फिर से हम लोग उपवास पर बैठे हैं, और ये केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्ते का सवाल जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो महंगाई, बेरोजगारी, नफरत का जो मुद्दा उठाया, उस संदर्भ में वो कुछ बात रखना चाहते थे सदन के अंदर, उनकी आवाज को कुंद करने के लिए उनकी सदस्यता ले ली गई, उनका घर खाली कराया गया। तो उन सारी बातों को लेकर के, और जो प्रधानमंत्री जी और अडानी जी का रिश्ता है, और जो बाबा साहब का संविधान है उसको जो कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उन सभी मसलों को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं, आज उपवास कर रहे हैं, और लगातार जब तक कि जेपीसी की मांग पूरी नहीं हो जाए, उनका रिश्ता अस्पष्ट नहीं हो जाए, जब तक प्रधानमंत्री जी उस पर कोई बयान नहीं दे दे, तब तक लगातार हम लोग इस तरह के कार्यक्रम और आंदोलन करते रहे। तो पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है, कभी बात करें तो बताइए, और प्रधानमंत्री जी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, यही यह कार्यक्रम बता दीजिए, लोगों से जुड़ता जा रहा है। अरे कोई प्लेन, आज राहुल जी के साथ सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, अनेक संवैधानिक पदों को सुशोभित कर रहे हैं, व्यक्तित्व भी सामने आ रहे हैं, और देश को जो सच बता रहे हैं, देश की जनता सोचने पर मजबूर हो रही है कि ये अचानक इस चीज को जो राहुल जी कह रहे थे उसकी उसमें सच्चाई नजर आ रही है, और लोग उनके पीछे चल पड़े हैं। एक बार पुनः अपने सवाल को बताइए। निश्चित रूप से सत्याग्रह का एक प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने कहीं कर्नाटक में सभा को संबोधित करके देखा हो तो बताइए। एक वजह नहीं है, राहुल जी के लिए पद मायने नहीं रखता है, उनकी प्रतिष्ठा है, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट को सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है, जिस तरह किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, पूरा देश जानना चाहता है आखिर राहुल जी ने वह कौन से सवाल कर दिए जिसकी जवाब से आप भाग रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हुआ है, ये कहीं ना कहीं हर एक एक व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाया है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सभी को अपने अधिकार की बातें रखने का अधिकार है। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा से सत्य के लिए आवाज उठाने का काम किया, आज उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये जनता की आवाज होती है और जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। जिस तरह से मोदी जी झूठ को छिपाने का काम कर रहे हैं, आज जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई 2 करोड़ नौकरियां हम लोग देंगे,
यहाँ पर जो भी शोषण हो रहा है गरीबों के ऊपर, जो भी किसानों के ऊपर और बेरोजगारों के ऊपर, सभी को हम लोग हर योजना से लाभान्वित करेंगे, नौकरियां देंगे। साथ ही नोटबंदी ला करके जो काले धन को वो छुपाने का काम कर रहे हैं, इस तरह के कई सारी परिसंपत्तियां हैं जिसको वो अपने निजी मित्रों को लुटाने का काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में हमेशा से हमारी पार्टी ने मुखर होकर के कहने का काम किया है। मैं बस राहुल गांधी जी के लिए ये दो शब्द कहना चाहूंगी कि आज मुश्किलें आई हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा है। आज भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी जी के साथ हम लोग खड़े हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है, जिसके लिए हम लोग हमेशा आगे आए हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आज पूरी जनता के ऊपर शोषण कर रहे हैं और उनके जितने भी लोग हैं, आज जिस तरह से मोदी जी के जो भी कारनामे हैं उनको छुपाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ की एक एक जनता जान रही है कि क्या आज के डेट में भाजपा की सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सबके सामने है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।